लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एरिके, एरिके, I don't want your vote, man. हेलो, कौन? क्वेश्चन पेपर, मैं लट्टू बोल रहा हूँ। फोन के उस तरफ से बोल रहे हो? अरे बस कर रहा यार, साहब को दे। क्या? फोन? नहीं, हाथ। तेरे हाथ काट के दे दे। दाया या बाया? दोनों राक्षस, दोनों। दोनों हाथ काट के दूंगा तो फोन कैसे पकड़ूंगा? फोन सर पे रख और दोनों हाथ काट के दे दे। अरे दाहिने हाथ से बायां हाथ काटूंगा तो बायां हाथ किस हाथ से काटूंगा? भूल जा सब, भूल जा, बस भूल जा, पहले से शुरू करते। फोन है ना, फोन तेरे साहब के हाथ में दे दे बस। लेकिन आपका फोन तो आपके हाथ में है, मैं कैसे दे सकता हूँ? अरे तेरे हाथ में वो फोन यार, तू मेरे क्यों परेशान करता है यार? मेरी की भी मुझे टोपी में रखे गया। रिकी, आई डोंट वांट योर बॉल, आई डोंट वांट योर बॉल, इंडिया नो बॉर्डिंग। किसका फोन है? तो आपको? हेलो। अरे यार उसको उसको वॉर में भेजो, जंग में भेजो, गोला बारूद से ज्यादा डेंजरस है ये आदमी। क्या कहा तुमने लट्टू भाई से? फोन पे तुम जाओ। हेलो, कहाँ? अंडमान निकोबार। हेलो, हेलो, मामी अंधेर। लट्टू भाई, यहाँ पर जरा प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, अभी अभी बात कर रहा था मैं फोन पे उसके साथ। नहीं, मैं लक्ष्मण की बात नहीं कर रही हूँ। वो आप वापस कब आ रहे हैं? यहाँ के एम्बेसी का बस चले तो मुझे कल ही भेज दे ये लोग, लेकिन एक आध महीना तो लग ही जाएगा ना इसके साथ। क्या प्रॉब्लम क्या है? हमने आदित्य को घर से बाहर निकाल दिया है पूजा के साथ। अरे लक्ष्मण, ये पंखा क्यों बंद हुआ? पंखा बंद हो गया? ये पंखा बंद क्यों हो गया? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये पंखा क्यों बंद हुआ? किससे? तुमसे लक्ष्मण, तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझसे क्या? ये पंखा क्यों बंद हुआ? क्योंकि रोशनी चली गई है। अब यहाँ रोशनी भी जाती है अक्सर, लेकिन अब की बार गई नहीं है। मैंने ले ली। हाय डैड, कम ऑन। अपने जहां के हम बात। क्या कहा था? डैड आएंगे लेने। लक्ष्मण, झाड़ू ला। ये? हाँ लक्ष्मण, ये झाड़ू मुझे थे अभी इसी वक्त इन हाथों में ला और जा। कहाँ? ये फ्यूज ले जा, जाकर घर में किसी ऐसी जगह छुपा दे जहां किसी को पता लगे। चल जा। फ्रिज के पीछे छुपा दूं? ला फ्यूज ला। तू अपना सामान उठा, आदि के कमरे में डाल, एसी चला और आराम से सो जा। चल जा। अभी? तू ये जानबूझ के तो नहीं करता ना मुझे परेशान करने के लिए? परेशान ये नहीं कर रहा डैड, परेशान आप कर रहे हैं। कैंसिल ना, अभी बुलाओ ना घर, थक गए। इस कमरे का भाड़ा 1500 रुपए, यदि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो 5000 रुपए एडवांस कैश। मेरे लिए आपने एक अकाउंट खोला था जो आपने बंद करवा दिया, और ये एक क्रेडिट कार्ड दिया था जो कि अब चलता नहीं। तो ये ले, घर की सफाई कर, गार्डन में झाड़ू मार, गाड़ियों को साफ कर, उसके बदले में यहां रह जा। फिर ना ये। और अगर मैं नहीं करूं तो ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसे खाली करना पड़ेगा बेटे। तो डरा किसको रहे हो? मेरे भी बहुत दोस्त हैं, हम लोग कहीं और जाके रह लेंगे, है ना? नहीं। तू पूरी कोशिश कर चुका है आदित्य, मैं जानता हूं तुझे, तुझे यहीं रहना होगा, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए 1500 रुपए इस कमरे का किराया और 5000 रुपए बिजली का एडवांस। जब तक तुम ये पूरा नहीं करोगे तब तक चैन से हवा भी नहीं खा पाओगे, खाना तो दूर की बात है। Okay, my son. See you soon.
नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। आपके खिलौने बेचकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने में नहीं आऊंगा। बात करते हैं, देखा देखा कैसे बातें कर रहे हैं डैड। एक बाप अपने बच्चे के साथ इस तरह पेश आता मीठी? एग्जैक्टली यही पूछेगा हमारा बच्चा कि एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं तो उसके पैदा होने से पहले उसे निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया आदि। व्हाट निग्लेक्ट डार्लिंग? और नहीं तो क्या, मैंने सुबह से एक कप चाय भी नहीं पी और तुम अपने चेहरे पर मलाई लगाए जा रहे हो। करना पड़ता है, अभी थोड़े दिनों में कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा, मुझे अपने टैलेंट के साथ साथ अपनी फिजिक और अपनी खूबसूरती का ध्यान रखना पड़ेगा। 5 महीने बचे तुम्हारे कॉन्टेस्ट के लिए, तब तक मैं क्या करूँ, एक्टिंग करके अपना पेट भरूँ? पूजा ने कुछ नहीं खाया, मैं उसी के लिए ले जा रही हूँ। देखिए घर के घी में बनाया है, चोरी चोरी खिला दूंगी उसे। और आदित्य, अब तो अकल ठिकाने आ गई होगी उसकी। I'm sorry, baby. मुझे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था, आखिर जिम्मेदारी हो तुम मेरी। एक काम क्यों नहीं करती, थोड़े दिन के लिए तुम अपने पापा के पास चली जाओ, ओके? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मेरी जिम्मेदारी ले नहीं सकती तो तुम मुझसे शादी क्यों किया थी? Because darling, I love you. No, you don't. You only love yourself. वरना इतनी बेशर्मी से मुझे पापा के घर जाने को नहीं कहते तुम। तो और क्या करूं, मुझे फिक्र है तुम्हारी। काम करो आदि, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, उन्हें निभाओ। अब जाना, एक दिन में मुझे कौन हीरो बना देगा? या तुम चाहती हो मैं आंगन में बैठ के झाड़ू मारूं? कहां जा रही हो तुम? पापा के पास जा रही हो? हाँ, ए वॉक लेने जा रही हो? क्या क्या कर रही हो तुम? तुम तो राजकुमार हो ना, पर मुझे राजकुमारी होने के बावजूद काम करना पड़ेगा। मेरा बच्चा भूखा है। मुझ पे भरोसा है ना? नहीं है आदि। ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो थोड़ी देर में मैं फ्रूट जूस पिज्जा सब कुछ ले आऊंगा, दुनिया भर की सारी चीजें यहाँ ले आऊंगा, ठीक है? एक काम करो, तुम अंदर जाओ और आराम करो। हमारे लिए ना सही, कम से कम हमारे होने वाले बच्चे के लिए तो करो, प्लीज 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 प्लीज। माँ, नाश्ते में क्या बना? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। अरे एक दिन मैं घर से क्या गया, वही सड़ी पुरानी चीजें बनाई होगी, पोहा और वो उपमा। अरे माँ बहुत भूख लगी है, कसम से मैं देख गिर जाऊंगा, प्लीज कुछ बना दे। आदित्य, अपनी बीवी और बच्चे का ध्यान रख सकते हो ये साबित करने का मौका मिला है तुम्हें, इसको हाथ से मत जाने दो। तो माँ आपको भी तो मौका मिला अपनी प्रेग्नेंट बहू को कुछ खिलाने का, आप कुछ कर रहे हैं, खामखाम मुझे गुस्सा करते रहते हो। प्लीज माँ बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मत बनाओ, मैं वो क्वेश्चन माँ को ही बोल देता हूँ। लक्ष्मण, सब्जी को तू जहां बैठ। आदित्य किचन में टिफिन भर रहा है। आदित्य, टिफिन रख, सुमें आज के बाद ये लड़का इस घर में पाव नहीं रख। चल टिफिन रख। ये मेरे लिए नहीं है, ये आपकी बहू के लिए, उसे भूख लगी है, उसका खाना जरूरी है ना? हाँ तो मंगवा लेना खाना उसके बाप के घर से, ये कोई होटल है? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मीठी माँ बनने वाली है ना? हाँ तो हमसे पूछ करके ये बच्चा प्लान किया था तुम दोनों ने। इस देश में
मिनट के 10 के हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या इस घर को मैं अनाथ आश्रम बना दूं? या हर कोई भूखा नंगा जब चाहे घर के अंदर आ जाएगा मुफ्त का खाना खाने? मेरा बच्चा अनाथ नहीं है डैडा। जिस बच्चे का बाप तुझ जैसा हो अनाथ नहीं कहलाएगा तो और क्या? एक दिन बच्चा खुद आकर के कहेगा कि मेरी परवरिश नहीं कर सकते थे तो मुझे पैदा क्यों किया? अपनी औलाद के लिए एक जानवर भी शिकार करने की तकलीफ उठाता है बेशरम, तू तो जानवर से भी बदतर है। आगे अब भीख मांगना, जा जाना, भीख मांगने का इतना शौक है तो जाकर सड़क पे खड़ा हो जा अपनी बीवी के साथ, तरस खा के बहुत लोग पैसे फेंकेंगे तुझ पर, और जब बच्चा आ जाए तो उसे भी वहां लेटा देना और पैसे मिलेंगे तुझे। Come on, get up! Come on. Come. सब तुम्हारी वजह से हुआ है सुमी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। यीशु, माँ हूँ उसकी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये कोई तरीका है अपने बेटे से बात करने का? दिल तोड़ दिया मैंने अपने बच्चे का। मेरे मरने के बाद सुमी उसे समझाना कि ये सब कुछ कितना बुरा लगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। यीशु, आप उसे चलना सिखा रहे हैं, गिरने दीजिए, संभलने दीजिए, अपने आप चलना सीख जाएगा। आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल पड़े हैं पोस्टमैन, अफसोस मत कीजिए। जाओ पूजा, जाओ अपने घर पे जाओ। नहीं आते, मुझे यहाँ खड़ा रहने दो, हमारे बच्चे को देखने दो। किसके पापा, कितने जिम्मेदार पापा है। झाड़ू में कहा थी मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं यार, फिर पापा ने मुझे इतना बड़ा बुरा क्यों कहा? पता कैसे डांटा है मुझे। तुम एक बहुत अच्छे और जिम्मेदार पापा, लेकिन नौकर बहुत बुरे। झाड़ू मारने का मतलब लिटरली मारना नहीं होता दी। लाओ मैं कर। नहीं, मैं सीख लूंगा, मुझे आता झाड़ू मारना। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से जाओ।